लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के लौह पुरुष और आज उनका जन्मदिन है। यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी आज 92 यानी कि 92 साल के हो चुके हैं। और ये कम ही लोगों को पता होगा कि जब जनता पार्टी के कई नेताओं ने दिल से जनसंघ को स्वीकार नहीं किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच एक अलग पार्टी बनाने को लेकर बात हुई। पार्टी बनाने को लेकर उन दोनों के बीच बात तो हो गई और इस पर जब अटल जी ने अपनी सहमति दे दी तो लाल कृष्ण आडवाणी ने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया और बीजेपी का गठन हुआ। जब इस नई पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह की बात आई तो आडवाणी ने इसके लिए कमल के फूल चुनाव निशान को चुना था। उसी के बाद से अब तक इस पार्टी का निशान कमल बन गया। आज के समय में पार्टी देश पर राज कर रही है, केंद्र में सरकार है बीजेपी की। भारतवर्ष की राजनीति को नई धारा देने वाले लाल कृष्ण आडवाणी आज 92 साल के हो चुके हैं। बीजेपी के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी 1992 के अयोध्या आंदोलन के नायक भी रहे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर साल 1990 में गुजरात के सोमनाथ से शुरू की गई उनकी रथ यात्रा ने भारत के सामाजिक ताने बाने पर अंदर तक असर डाला। बड़ी विडंबना है कि 92 साल के हीरो आडवाणी आज जब जीवन के नितांत अकेले पलों में अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो आइए आज उनके जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर हम आपको बताते हैं उनके सियासी सफर के बारे में। नजर डालिए इस खास रिपोर्ट पर। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में 8 नवंबर 1927 को हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी के पिता का नाम था कृष्ण चंद डी आडवाणी और माता थी ज्ञानी देवी। पाकिस्तान के कराची में स्कूल में पढ़े और सिंध में कॉलेज में दाखिला लिया। जब देश का विभाजन हुआ तो उनका परिवार मुंबई आ गया। यहां पर उन्होंने कानून की शिक्षा ली। आडवाणी जब 14 साल के थे तभी संघ से जुड़ गए थे। भारत में 1951 में वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित जनसंघ से जुड़े, 1977 में जनता पार्टी से जुड़े, फिर 1980 में आई भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। बीजेपी के साथ आडवाणी ने भारतीय राजनीति की धारा ही बदल दी। आडवाणी ने आधुनिक भारत में हिंदुत्व की राजनीति से प्रयोग किया। उनका ये प्रयोग काफी सफल भी रहा। भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीटों के सफर से शुरुआत कर 2019 में 303 सीटों पर आ चुकी है। आडवाणी और रथ यात्रा। हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से 182 सीटों तक पहुंचाने में लाल कृष्ण आडवाणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साल 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद से 1986 तक लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के महासचिव रहे। इसके बाद 1986 से 1991 तक पार्टी के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व भी उन्होंने संभाला। इसी दौरान साल 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली। हालांकि आडवाणी को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया, पर इस यात्रा के बाद आडवाणी का राजनीतिक कद और बड़ा हो गया। 1990 की रथ यात्रा ने लाल कृष्ण आडवाणी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया था। साल 1992 में ढांचा विध्वंस के बाद जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है उनमें आडवाणी का नाम भी शामिल है। आडवाणी ने कभी दामन पर नहीं लगने दिया दाग। राम मंदिर आंदोलन के दौरान देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता होने और संघ परिवार का पूरा आशीर्वाद होने के बावजूद आडवाणी ने 1995 में वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार ऐलान करके सबको हैरत में डाल दिया। उस वक्त आडवाणी खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन आडवाणी ने कहा कि भाजपा में वाजपेयी से बड़ा नेता कोई नहीं है। 50 साल तक वे वाजपेयी के साथ नंबर 2 बने रहे। 50 साल से ज्यादा के राजनीतिक जीवन के बावजूद आडवाणी पर कोई दाग नहीं रहा। और जब 1996 के चुनावों से पहले कांग्रेस के नरसिंह राव ने विपक्ष को बड़े नेताओं को हवाला कांड में फंसाने की कोशिश की थी, उस समय आडवाणी ने सबसे पहले इस्तीफा देकर कहा कि वे इस मामले में बेदाग निकलने से पहले चुनाव नहीं लड़ेंगे। और 1996 के चुनाव के बाद वे मामले में बरी हो गए। जोशीले भाषणों से सुर्खियां बटोरी। आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को राम मंदिर निर्माण के लिए समर्थन जुटाने की खातिर सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू कर दी।
इस रथ यात्रा ने काफी सुर्खियां बटोरी। आडवाणी अपने जोशीले भाषणों की वजह से हिंदुत्व के नायक बन गए। हिंदी पट्टी राज्यों में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ जबरदस्त बढ़ा। हालांकि इस रथ यात्रा के दौरान भारत में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य का भाव पनपा। आडवाणी का इरादा राज्य दर राज्य होते हुए 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचने का था, जहां वो मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए होने वाली कार सेवा में शामिल होने वाले थे। लेकिन आडवाणी के बरकश ही बिहार में एक अपोजिट धुरी की राजनीति जन्म ले चुकी थी। इसके नायक थे लालू यादव। लालू यादव आडवाणी की विपरीत विचारधारा की राजनीति का नेतृत्व कर रहे थे। आडवाणी की रथ यात्रा जब बिहार के समस्तीपुर पहुंची तो 23 अक्टूबर को उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। बुजुर्गों को विदा किया, युवा भी छोड़ गए। आज आडवाणी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की सक्रियता से दूर है। सोशल मीडिया पर भी उनका कोई अकाउंट नहीं है। हाँ, लोगों से संवाद करने के लिए उनका एक ब्लॉग जरूर है, जिस पर वो लंबे अंतराल के बाद कुछ कुछ लिखते हैं। शतायु की ओर प्रस्थान कर रहे बीजेपी के लौह पुरुष आडवाणी अपने समकक्षों को खो चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह शेखावत, कैलाशपति मिश्र, मदन लाल खुराना, सुंदरलाल पटवा जैसे दोस्तों को उन्होंने अपने सामने विदा किया। आज आडवाणी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से उनका लंबा सियासी अतीत और देश में तेजी से बदलते घटनाक्रमों के ऐतिहासिक गवाह के रूप में उन्हें जाना जाता है। आजादी के बाद से बदलते देश और सियासत के वे चंद चेहरों में शामिल रहे हैं जिनके अनुभव का कोई सानी नहीं है। तो जैसा कि आज बीजेपी के लौह पुरुष, बीजेपी के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर हमने आपको बताया, लाल कृष्ण आडवाणी के सियासी सफर के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में आपको रूबरू कराया। वैसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज को। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड टेक केयर।